कहले रहनी आज चला नेताजी के द्वारे हमने चलल जाए। अच्छा। आवाज वही जो धरना देवल जाए। अच्छा, धरना भी आई। हाँ चला 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 हम रडुआ समाज के अध्यक्ष हैं। अच्छा। और हम लोग बहुत तकलीफ में हैं नेताजी। क्या तकलीफ है बाबू? गर्मी बीत गया। अच्छा। बरसात बीत गया। हाँ भाई, बरसात तो बीत गई, लेकिन अब जाड़ा में हम लोगों को क्या होगा? जाड़ा में? हाँ। अरे बच्चा, बहुत समस्या तो आपकी गंभीर लग रही है हमें। कहो तो कंबल बंटवा दें, और क्या कर सकते। अम्बल कंबल से कुछ नहीं होगा नेताजी। अच्छा लीजिए, मैं समस्या बता रहा हूँ, इसका हल आपको निकालना है। तो बताइए क्या समस्या है आपकी। जेकर भाईल बाबिया उता माजा मारी है, जेकर भाईल बाबिया उता माजा मारी है, भाई जाड़ा इतना ही तक ना है नेताजी। और का है? माला जेकर बिया हो गल है। अच्छा। वो तो बड़ा खुश है। हाँ भाई, जेकर बिया भल तो खुशे बा। लेकिन इमे कुछ रड़ुआ ऐसनो प्रकार के हों कि बिया भइले के बाद भी ना खुश हुआ। बिया भइला के बाद भी ना खुश हुआ? हाँ। ये कहे हो? जैसे इमे प्रकाश जी हुआ। अच्छा। एडीआर जी। नयनसल पहुँचा है वहाँ का? धनंजय यादव पर्स माफिया टेंगारी भैया भी हूँ हमार। उनको तो किलाट फूकने से ही टाइम नहीं है। अरे उनकर किलटवा का हुई। लीजिए समस्या सुनिए नेताजी। बुढ़वा तेल मलवाई ली है पतोहियन के गरियाई। दिक्कत बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताइए, इतनी दिक्कत है आपको, ये समस्या का समाधान सरकार के तरफ से कोई नहीं है? सबका तो सरकार सुन रही है, तो हम लोगों का क्यों नहीं? ठीक है, प्रयास करते हैं, ऐसी व्यवस्था होगी तो जरूर सुना जाएगा। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे यहाँ पर। अच्छा चलिए ठीक है, लीजिए सुनिए।
ऐसे रड़ुआ हैं, अच्छा, जो अपराधी टाइप के भी हैं। अपराधी टाइप के? अरे बता दो भैया, बता दो। जैसे सुनील बाबा, अच्छा, नानी के घर जाता है अक्सर करके, इसी में एडीआर है, अच्छा, ये है एडीआर जी, संदीप राज उर्फ राज, आनंद कप्तान, अच्छा, धर्मदेव बच्चोत जी, हाँ, सबका बता दिए, सब करा के बता दिए भैया। और के बाबू उपेंद्रो भाई सुनता नहीं रड़ुए बाड़े? हाँ, हम भी देखा थी कि उपेंद्र भाई कभी सुने में आया कि शादी तय हो गया है, अच्छा, लेकिन अब इन जब ले कुछ लगन होगा लिखा न जा तब ले कैसे मनवा। अच्छा, अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी नेताजी, अच्छा, तो क्या होगा? तो देखिए यही सब झेलना पड़ेगा, फिर आप ही कहेंगे कि ये सब तुम लोगों ने क्या किया। अरे भाई, आप लोग देश के भविष्य हैं, ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं बताइए। लीजिए सुनिए, सुनाइए। कितनी झकिया खिड़की कितनी डकिया डाड़ावारी, यही सब झेलना पड़ेगा। इसमें देखिए सबसे खतरनाक टाइप के परवीन यादव हैं, अच्छा, और प्रिंस भी उसके साथ है, ये दोनों लोग साथ ही में हैं। हाँ, कितनी छकी है खिड़की कितनी डकी है डाड़ावारी, उज्जई है आंगन में क्यों के हो मारा मारी, अच्छा, समरा लोग भी अध्यक्ष जी कि आप लिखित दे दीजिए जी, और आपकी मांग हम दिल्ली तक पहुंचा देंगे, हो सकता है तो पूरी हो जाए। थैंक यू नेताजी, थैंक यू।